ये कहानी है समर नाम के एक लड़के की, जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी माँ का नाम कविता और पापा का नाम रामू था। समर ने हाल ही में अपना कॉलेज पूरा किया था और वो कोई नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन बार बार ट्राई करने पर भी उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने कितनी जगह ट्राई कर लिया है लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। क्या मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी? बेटा समर, भगवान पे भरोसा रखो, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता, तुम कोशिश करते रहो। ठीक है माँ, देखते हैं क्या होता है। समर अपनी माँ की बात सुनने के बाद ही फिर से नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। वो मायूस हो जाता है। एक दिन वो अपने गांव के जंगल में घूमने गया था। वो जंगल में चारों तरफ घूम रहा था, तभी वहां एक पेड़ के नीचे उसे एक बक्सा दिखाई दिया। समर उस बक्से के पास गया, उसने चारों तरफ देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अरे, ये बक्सा किसका है? यहाँ तो कोई है भी नहीं, चलो देखता हूँ इसके अंदर क्या है। समर जैसे ही वो बक्सा खोलता है, उसमें एक कागज का पन्ना था और एक छोटी सी छड़ी थी। समर उस कागज पर लिखे शब्द पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था कि अगर आप खजाना पाना चाहते हो तो रामपुर गांव के शिव की गुफा में जाकर आपको इस छड़ी को हाथ में लेकर बोलबम 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 कहना पड़ेगा और वो खजाना तुमको मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो तुम एक पापी आत्मा हो और तुम वहीं पर मर जाओगे। समर ये पढ़कर डर गया कि खजाना भी मिल गया, लेकिन डर भी है कहीं मैं वहीं मर ना जाऊं। वो अपने घर गया, उसने अपनी माँ को वो कागज और वो छड़ी दिखाई और कहने लगा, माँ, खजाना भी है और डर भी है, कहीं मैं वहां मर ना जाऊं। बेटा, एक काम करते हैं कि मेरी तो वैसे भी उम्र खत्म होने वाली है, मैं वहां जाती हूँ। अगर मरना होगा तो मैं ही मर जाऊंगी। नहीं माँ, जाऊंगा तो मैं ही, जो होगा देखा जाएगा। समर ये कहकर रामपुर गांव के लिए निकल पड़ा। वो गांव में पहुंचा, वहां उसने एक आदमी से पूछा, अरे भाई, ये शिव गुफा कहाँ है इस गांव में? मुझे वहां जाना है। शिव गुफा का नाम सुनते ही वो आदमी एकदम चौकन्ना हो गया और कहने लगा, ऐसा उस शिव गुफा में क्या है? तुमसे पहले भी कई लोग आए थे, लेकिन जो भी इसके अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मैं तो भक्त हूँ शिव का, बस उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ, गांव के ऊपर पहाड़ पे वो गुफा है। समर पहाड़ की तरफ जाने लगा। वो उस गुफा के सामने पहुंचा, वहां एक आदमी बैठा हुआ था। वो समर को देखते ही कहने लगा, तुम यहाँ खजाने के लिए आए हो ना? मैं भी कब से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि कोई तो उस खजाने को यहाँ से निकाले, ताकि मैं अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकूं। अगर तुम्हें इतनी ही खजाने की जरूरत है तो तुम अंदर क्यों नहीं गए? लेकिन मुझे डर लगता है, कहीं मैं अंदर ही मर ना जाऊं। तो ये डर तो सबको है कि कहीं हम अंदर मर ना जाएं। तुम अंदर जाओ और मेरे लिए वो खजाना ढूंढो, मैं तुमको उसमें से आधा खजाना दे दूंगा। तुम पागल हो क्या? अंदर मैं जाऊंगा, मौत का जोखिम भी मैं उठाऊंगा और खजाना तुम ले जाओगे। देखो लड़के, खजाना तो मैं लूंगा ही लूंगा, तुम नहीं तो कोई और से ही, यहाँ से खजाना मैं किसी को ले जाने नहीं दूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों अंदर चलते हैं, जो होगा हम दोनों के साथ ही होगा। वो दोनों अपने अपने मन में सोच रहे थे कि खजाना मिलते ही वो एक दूसरे को जान से मार देंगे और फिर सारा खजाना उसका हो जाएगा। वो दोनों अंदर जाते हैं। वो आदमी कहता है, अरे भाई तुम बोलो, अब खजाना मिलेगा? खजाना ठीक है, रुको, तुम पीछे हो जाओ।
समर ने वो छड़ी हाथ में ली और बोलबम बोलबम कहने लगा। एकदम वहां पर तेज रोशनी हुई जिससे उनकी आंखें बंद हो गई, और जब उनकी आंखें खुली तो वहां पर खजाना सोने के सिक्के पड़े हुए थे। अरे वाह, खजाना मिल गया, अब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। अमीर आदमी। इतने में समर अपनी जेब से चाकू निकालता है और उस आदमी का गला काट देता है और उस खजाने को बैग में भरकर गुफा से बाहर आता है। गुफा के बाहर वही आदमी खड़ा हुआ था जिसने समर को गुफा का रास्ता बताया था। समर उसको वहां देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता था यहाँ खजाना है। मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी, अब इसमें से आधा खजाना मुझे दे दो। नहीं, ये मेरा खजाना है, इसके लिए मैंने अपनी जान जोखिम पे डाली है, मैं नहीं दूंगा। वो आदमी तभी एक तलवार निकालता है और समर को मार देता है और सारा खजाना लेकर वहां से भाग जाता है। मोरल दोस्तों, लालच हमेशा बुरी बला होती है। अगर समर उसको अपना आधा खजाना दे देता तो वो उस आधे खजाने में अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी लेता, लेकिन उसने लालच किया और वो मारा गया। इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।